गया तो हमारी दोनों की बैंड बजा देगा। सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइज, डार्क सर्वाइवल इवॉल्व का और प्रामल फियर हार्डकोर का। सो वाह, इसके अंदर जितने भी वेजी थे ना गाइस, वो सारे वेजी, अच्छा कुछ कुछ के अंदर के सारे वेजी भाई सड़ चुके, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अपने नीचे काफी सारे वेजिटेबल्स पड़े हुए, वहां से अपन लेके आ जाएंगे। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने जो ना गाइस यहाँ पे टायर 4 या टायर 5 एक्चुअली में जो ना गाइस वो पूरी तरह से क्लियर कर लिए यहाँ पे। और अभी अपन आगे की जो बॉस फाइट है ना गाइस, वो लेने का यहाँ पे काम करने वाले। बाकी गाइस आज का जो एपिसोड है ना गाइस, वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाक से वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गाइस यहाँ पे गेमिंग विद्यानी के चैनल का और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। और गाइस हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक हो चुका है, अगर आप चैनल को जो ना गाइस यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी गाइस अभी यहाँ पे बात करते आज के हमारे प्यारे प्यारे से सपोर्टर्स के बारे में। सो गाइस आज के जो हमारे फर्स्ट सपोर्टर है ना गाइस, वो है वन क्लू गेमिंग ब्रदर। सो वन क्लू गेमिंग ब्रदर के चैनल का नाम है, इनका मैसेज आपको ऊपर साइड में दिख रहा होगा। तो वन क्लू गेमिंग बोलते लव यू ब्रदर एंड बाय लाल दिल चुम्मा, अरे बाप रे चुम्मी चुम्मी दे रहा बाबा ये दो गाइस। तो वन क्लू गेमिंग ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट एंड लव यू टू ना मेरी बच्ची, एंड अ बिग 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 शाउट आउट टू यू वन क्लू गेमिंग ब्रो, एंड थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट ब्रदर। एंड उसके बाद जो ना गाइस हमारे जो अगले सपोर्टर है ना गाइस, वो यहाँ पे आते हैं गाइस प्रवीण पवार ब्रदर। तो प्रवीण पवार ब्रदर जो है ना गाइस, वो यहाँ पे लिख दे हाय राहुल प्रवीण यार, बिग 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 फैन, प्लीज प्ले एज अ डायनो ब्रो। सो गाइज प्रवीण भाई के चैनल का नाम आपको ऊपर दिख रहा होगा और उनका मैसेज भी आपको ऊपर दिख रहा होगा। सो प्रवीण ब्रदर यहाँ पे बोलते हैं कि प्ले एज अ डायनो खेलो। तो गाइज प्ले एज अ डायनो मैं सीरीज वंस मोर चालू करने वाला हूँ, बट वो एनी के चैनल पे अपलोड होगी पूरी सीरीज, और एनी के चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनके चैनल पे प्ले एज अ डायनो की भाई सीरीज देख सकते हो प्रवीण ब्रदर एंड इन्जॉय कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे से सपोर्ट के लिए एंड अ बिग 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 शाउट आउट टू प्रवीण ब्रदर। एंड उसके बाद जो हमारे थर्ड और आखिरी जो सपोर्टर है ना गाइज, वो यहाँ पे जो है ना गाइज वो आते हैं द एक्स गेमर, और द एक्स गेमर के चैनल का नाम एंड जो गाइज इनका मैसेज है वो आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो इनका जो मैसेज है वो है हाय राहुल भाई बिग फैन, अरे एक्स गेमर ब्रदर बस गया मेरी बच्ची, थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट एक्स गेमर ब्रो एंड बिग बिग बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला बिग शाउट आउट टू यू एक्स गेमर ब्रो एंड थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट। तो गाइज अगर आपको भी ऐसे शाउट आउट चाहिए तो गाइज कुछ नहीं करना, थैंक्स का बटन नीचे, वहां से आप सपोर्ट कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम बंदे बोलते हैं कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते, तो गाइज जो भी सपोर्ट नहीं कर सकते आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, उतना ही काफी है गाइज। तो चलिए आज के जो एपिसोड है ना गाइज, इसकी शुरुआत बिना किसी देरी के कर दे और मचा डाल दे फुल टू तबाही। और यहाँ पे देखो गाइज अपना घर वो रहा ऊपर, वो रहा अपना आसमान में फ्लोटिंग आइलैंड पे घर, और अपने घर के नीचे आपको मिलेगा बताओ क्या, आपको मिलेगा भाई सेव रोड, उसके बाद मिलेगा हमको भाई यहाँ पे लॉन्ग्रास, लॉन्ग्रास के बाद जो है ना गाइस हमको यहाँ पे मिलेगा रॉक रोड एंड उसके बाद मिलेगा सिट्रोनल। सो जो भी चीज़ें चाहिए ना गाइस हमको, हम घर के नीचे आके जो है ना गाइस लेके जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसलिए मैंने ऊपर की जो गाइस खेती बाड़ी है ना उसके ऊपर ध्यान देना जो है ना गाइस वो छोड़ दिया, थोड़ा कम कर दिया है। बाकी अभी आप सोच रहे होंगे कि आज तो मैं भाई वैसे भाई कोई खतरनाक एंड ओबीसी बॉस फाइट लूंगा, तो नहीं गाइस मैं आज आपको ऐसे डायनो से मिलाने वाला हूँ ना, प्राइमल फेयर का ही डायनो है, प्राइमल फेयर का ही डायनो है, बट ऐसा डायनो है ना देख के आपके जो ना गाइस होश उड़ जाएंगे। जब मैंने उसको देखा था ना गाइस जाके ऑफलाइन में एक्चुअली में, तब मैं बोला था भैंस क्या कि ये क्या आ गया भाई, अभी दिखा दो आपको, रुको जरा गाइस सबर करो, नया काफी ज्यादा खतरनाक एंड काफी ज्यादा पावरफुल वाला एक डायनो जो है ना गाइस वो यहाँ पे प्राइमल फियर में आ चुका है। और बॉस भी फाइट जो है ना गाइस वो चाहे भाड़ में वो हम बाद में लेंगे, अभी तो मेरे को उस भाई डायनो को टेम करना है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने ना
टायर 4 कंप्लीट कर लिया है और टायर 5 जो ना गए जो चालू करने वाले हो। टायर 5 में पिकॉन द क्रिएटर एंड नोवा द डिस्ट्रॉयर है भाई, ठीक है। इनको तो अपन पेलेंगे, टेंशन नहीं लेने का, इनको अभी नहीं पेलेंगे। पहले तो आपको जो ना गाइस मैं वो डायनो दिखाता हूँ। अभी आप बोलोगे भाई तेरे को डायनो कैसे पता चला, कहाँ पे? तो कल मैं ना थोड़ी सी सोल इकट्ठा कर रहा था बॉस फाइट करने के लिए, तभी जो ना गाइस मेरे को दिखा डिस्ट्रॉयर समथिंग कुछ है ना, मे बी स्केलेटन समथिंग कुछ तो नाम है। और वो डायनो जो ना गाइस स्पॉन हुआ है इस वाले आइलैंड पे, ये जो कैसल वाला आइलैंड है ना गाइस, यहाँ पे वो डायनो स्पॉन हुआ है। और नज़दीक बिल्कुल नहीं जाना गाइस, इसका नज़दीक बिल्कुल नहीं जाना। वो देखो इसका नाम है स्केलेटनाइज्ड टायरानोसॉरस। ये एक तरह का रेक्स है जो कि पूरा स्केलेटन से बना हुआ है भाई, ठीक है। और गाइस पूरा का पूरा 600 लेवल का स्पॉन हुआ है। इतना तो अपने भाई सर्वर का वो भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, मतलब इतने हाई लेवल के स्पॉन नहीं करता है अपना सर्वर। बट फिर भी पता नहीं, मे बी ये डायनो जो ना गाइज उसका कुछ अलग मैकेनिज्म होगा, इसलिए भाई 600 लेवल का डायरेक्टली यहाँ पे स्पॉन हुआ है। और इसको टेम करने के लिए कोई हमको भाई किबल शिबल नहीं चाहिए गाइज, ठीक है, कोई भी किबल शिबल नहीं चाहिए, हमको चाहिए बोन मिल गाइज। और ये डायनो को मैं नज़दीक से जाके आपको बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, क्योंकि गाइज इसके पास ना काफ़ी खतरनाक वाले अटैक्स है मे भी भाई, ठीक है। और मैं जो ना गाइज नज़दीक जाके बिल्कुल भी दिखाने नहीं वाला, वरना भाई कहीं पे मेरी पीढ़ी ना बन जाए। देखो तो गाइज क्या लग रहा है यार, वो मैंने आपको हल्का सा भाई थोड़ा सा इतू सा लुक दिखाया है। मैं नज़दीक गया ना, तेरे भाई का राम नाम सत्य हो जाएगा मेरे बच्ची, ठीक है, इसलिए मैं नज़दीक ना जा रहा, ठीक है, वरना पहली फुर्सत में अपन को भगवान के पास पहुँचा देगा वो। अभी ना हम लोग क्या करते पता है गाइज, हम लोग अभी उतरना भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसको भाई टेम करने के लिए क्या चाहिए। सो उसको टेम करने के लिए हमको चाहिए होगी ये बोन, बट ये बोन जो है ना बनाना बहुत मुश्किल है। इसको बनाने के लिए कॉस्टिक फेदर, सिलेस्ट्रियल एम्परर सोल, सिलेस्ट्रियल किबल, डिमोनिक इम्परेस सोल, डिमोनिक किबल, वो भी 5-5 सिलेस्ट्रियल और डिमोनिक किबल कितने का है, 5-5। और सारे फेदर जो है ना गाइज वो टोटल यहाँ पे 125-25 चाहिए, और केरेटिन 1200 चाहिए। और सिलेस्टियल इम्परेस सोल मतलब समझ में आ रहा है आपको, सिलेस्टियल वाला बॉस एंड डिमोनिक वाला बॉस, दोनों बॉस को मेरे को यहाँ पे मारना पड़ेगा, तब जाके उनकी जो सोल मिलेगी ना उससे मैं इस बॉस को टेम कर सकता हूँ। उससे भाई उसमें और भाई फलाना डिलाना बहुत सारी चीज़ें और ऐड करके मेरे को किबल बनाने एंड उससे मैं जाके उस बॉस को टेम कर सकता हूँ। मतलब आप समझ ही सकते हो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ें हमको एक बोन बनाने के लिए लग रही है। सो वो जो डायनो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है गाइस। तो भाई मैं जो है ना गाइस ये सारी चीज़ें देख के ना थोड़ा सा भाई चौंक गया था। मैंने बोला भेज गया कुछ भी हो जाए भाई, इस डायनो को हमको टेम करना है, मतलब करना है। और आज मैं टेम कर पाऊँगा कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मेरे को ना वो बोन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है गाइस, ठीक है। लाइक मैंने एक बॉस तो बना लिया जो कि कली बन रहा था, आपको बताया होगा टायर 3 का एक बॉस कली बन रहा था, बट मेरे को अभी ओरिजिन आरजी कार्नो बियर भाई सबको भाई रुक जाओ बना लेता हूँ रुको, हाँ ओरिजिन कार्नो, ओरिजिन ये रहा कार्नो, ये रहा आरजी एंड ये रहा बियर भाई, ठीक है। ओरिजिन कार्नो आरजी बियर, देख देगा इस कौन कौन से ओरिजिन डायनो मेरे को बनाने। मेरे पास आर्टिफैक्ट ना ज़्यादा नहीं बचे, थोड़े से बचे हुए हैं, उनसे बॉस बनेगा कि नहीं ये मेरे को बता नहीं भाई, ठीक है। ओरिजिन बन आरजी कार्नो बियर बना लिया, कायराकू रैप्टर एंड वाइब्रन, ठीक है। सो कायराकू चाहिए मेरे को ये वाला, रैप्टर चाहिए मेरे को ये वाला, एंड मेरे को चाहिए गाइस ये वाइब्रन। ए आर्टिफैक्ट कितने बेच गए मेरे पास, एक आखिरी आर्टिफैक्ट, खत्म आर्टिफैक्ट, खत्म आर्टिफैक्ट, वाइब्रन नहीं बना पाएगा, आर्टिफैक्ट खत्म। हट यार ये क्या है भाई, भाई कुछ तो असेंडेड विजेंडेड वाला कुछ सैडल मिला है यार। मेरे को आर्टिफैक्ट तो ग्रेड को मारना पड़ेगा भाई, और आर्टिफैक्ट तो ग्रेड को बनाने के लिए ना हमको ब्लड और फेदर बिदर चाहिए बे, और 5-5 सोल चाहिए। सैदा तो जाके मैं भाई वाइल्ड में ढूंढ के मार दूंगा उसको, रुको गाइस वाइल्ड में जाऊंगा, वाइल्ड में ढूंढ के उसका गेम बजा डालूंगा मैं। आज जो ना गाइस मैं वो बोन बना ही लेता हूँ भाई, ठीक है, बोन बना लेता हूँ, और अगले एपिसोड में अपन उसको टेम कर लेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि गाइस बोन बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई, और बाप रे आर्टिफैक्ट तो ग्रेड ना कुछ ज़्यादा ही मात्रा में जो ना गाइस यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं इस मैप पे, अच्छी बात है। चलो ठीक है 95-41, वैसे मेरे को इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके मेरे को बॉस फाइट भी तो लेनी है गाइज, एंड उस बॉस को जो ना गाइस बनाने के लिए मेरे को वापस से डिमोनिक एंड सिलेस्टियल वाले बॉसेस को बेलना पड़ेगा। ग्रिफिन लेके नहीं जाना भाई, कुछ भी हो जाए। हाँ इसके अंदर ट्रैकर डाल सकता हूँ मैं, ट्रैकर डाला है क्या, नहीं ना। सिलेस्टियल ग्रिफिन से अपन आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेड की जो ना गाइस बैंड जरूर बजा सकते हैं, ठीक है रुक जाओ
सेलेस्टियल ग्रिफिन से बैंड बजाएंगे, आ जाओ चलो लेट्स गो। अभी चलते गाइस फर्स्ट लोकेशन पे जो कि है भाई 8123, जो कि मेरे हिसाब से यस भाई ये मैप इतना सा छोटू सा है ना कि गाइस बड़े आराम से लोकेशन मिल जाती है 8123 ना गाइस। सो 8123 मेरे को यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगी, रुक जाओ आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट भाई दिख ही जाएगा, स्पाई क्लास चालू कर ले खाली। 8123 बेटा 23 पीछे रह गया और 81 थोड़ा आगे रहे, वो रहा आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट। ठीक है अभी अपन क्या करेंगे बताओ गाइस, अपने भाई प्यारे प्यारे से ना उसको बुला लेते हैं भाई, ठीक है ग्रिफिन को बुला लेते हैं भाई। FPS काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है क्योंकि गाइस यहाँ की जो ना गाइस वो ग्राफिक रेंडर हो रही है, ठीक है ग्राफिक रेंडर होने के बाद ये FPS जो ना गाइस वो ठीक हो जाएगा। ये देख रहे हो भाई 20-25-18 FPS दे रहे हैं भाई मेरे को, अभी ठीक हो जा। हाँ मिल गया भाई, हो गया ठीक, हो गया ठीक, हो गया ठीक, हो गया ठीक, हो गया। चेप डाल इसको सर, सर चेप डालो ना भाई, ले बेटा भाई हम तो मरेंगे सर, हम साथ में तुमको भी ले मरेंगे बाबा, ले बेटा चाल चाल बनता है फायर बियर खा ले। ठीक है चलो आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट का जो ना गाइस गेम बजा डाला है अपन ने, अभी मेरे को कुछ नहीं करना, रोडोल्फ को भाई यहाँ पे जो ना गाइस वापस से बुला लेना है और चलना है अगले लोकेशन पे। ठीक है वर्ल्ड राइडर, ये रहा अपना वर्ल्ड राइडर, चलो अगला लोकेशन है गाइस 6138, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा दूर लोकेशन नहीं है। 6138 बस बेटा, हाँ ये कहीं पे ऊपर होगा पहाड़ के, नीचे का होगा भाई 6138, अरे नहीं 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 61 तो ये रहा, 38 एक मिनट रुक जाओ, लोकेशन तो नीचे की दिखाई दे रही, अरे वो रहा ना मेरी जान, ये रहा गाइस नीचे ही है, नीचे ही है, नीचे ही है, रुक जाओ गाइस जिसको जो ना गाइस फटाक से अपन टेम कर लेते, रुको टेम नहीं सॉरी मार देते गाइस रुको भाई, टेम कहाँ से करेंगे इसको, चेप डालते भाई चश्मा बिस्मा पहन के बेटा, हाइड पकड़ो तो ग्रेट है। हेलो बेटा, हेलो बेटा खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, 3 आर्टिफैक्ट मिल गए। अब इनकी बॉडी जो ना गाइस वो हार्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, पता है क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पे ना इनकी बॉडी हार्वेस्ट कर रहे थे कभी कभी हमको ना एक्स्ट्रा आर्टिफैक्ट ना इनकी इन्वेंटरी में दिखाई देते हैं। हाँ इसके इन्वेंटरी में अभी तो कोई नहीं है आर्टिफैक्ट, लेकिन कभी कभी होते हैं गाइस। ठीक है चलो 2 आर्टिफैक्ट तो ग्रेड को जो ना गाइस मैंने मार दिया है, और मैं जो ना गाइस ऑफलाइन में थोड़े और आर्टिफैक्ट तो ग्रेड को मारूंगा गाइस। ठीक है 9541 जो कि लोकेशन मेरे हिसाब से यहाँ पे भाई, ठीक है 9541 ये रही लोकेशन, पहुँच गया भाई पहुँच गया पहुँच गया। ठीक है थोड़ा सा और आगे जाना है मेरे को, और आर्टिफैक्ट हो भाई झाड़ी में दिख, भाई झाड़ी में छुपा हुआ है भाई, दिख गया मेरे को झाड़ी में। आजू बाजू आजकल तो मैं खतरा देखता ही नहीं यार उतरते वक्त कि कोई खतरा है कि नहीं, वैसे मेरे को तो भाई मारने की कोशिश किसी ने भी अभी तक करी नहीं है। ठीक है काफ़ी दिन हो गए, तुम्हारा भाई एकदम किंग की तरह रह रहा है भाई, आर्टिफैक्ट इस बार दिए नहीं यार इसने, इस बार आर्टिफैक्ट दिए नहीं, रुको नज़दीक जाके भाई इसके इन्वेंटरी से पेटी से उठाने पड़ेंगे आर्टिफैक्ट भाई। आसमान में भाई मेरा स्पेशल अटैक डाल दिया है मैंने, रुको रुको आर्टिफैक्ट दे दो सर, अरे 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 बैठ है भाई, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, नहीं भाई किसी को पंगा नहीं करना, ठीक है किसी को उंगली नहीं करना बेटा। ठीक है कहाँ पे ये रहा यार, 4 आर्टिफैक्ट मिल गए, वेल डन वेल डन वेल डन, लेट्स गो गाइज लास्ट लोकेशन पे चल दे वहां से जो ना गाइज और भाई 3-4 आर्टिफैक्ट का जो ना गाइज जुगाड़ कर लेते हम लोग, जो कि लोकेशन है 4340, ये तो लोकेशन भाई पीछे रहेगी, यहाँ से तो अभी अभी आया मैं, 4340 काफी ज्यादा पीछे रहेगी। ओके वी गो 43 एंड 40, चलो गाइस आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट को मारने के बाद ना हमारा काम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ बस थोड़े बॉस को मारते वक्त बैंड बीट बज सकती है, बाकी और कोई सीन नहीं है। ये रहा पीछे ही है, ठीक है ग्रिफिन को बुला ले भाई, अंकल ग्रिफिन को जल्दी बुला लो वरना बैंड बज जाएगी। चलो गाइस ग्रिफिन सर जी जो ना गाइस वो यहाँ पे आ चुके हैं और अभी आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट चलाना कल बेटा, ठीक है हो गया काम बच्ची, चलो लेट्स गो। बाकी इसकी पेटी मिलेगी नहीं जरा एक बार मेरे को देखने दो, ठीक है आर्टिफैक्ट कितने हो गए मेरे पास टोटल, बाप रे बहुत ज़्यादा ही आर्टिफैक्ट हो गए गाइस तेरे भाई के पास। वाह चलो गाइस अभी रोडोल्फ को लेके जो ना गाइस सीधा अपन घर पे चल दे और दोनों बॉसेस को जो ना गाइस अपन यहाँ पर बना के उनसे फाइट ले लेते, बाकी डिमोनिक एंड सेलेस्टियल वाले 5-5 गिबल मैं बड़े आराम से बना पाऊंगा, बस खाली गाइस अभी फेदर बिदर जो है ना गाइस वो ना मांगे, फेदर मांगे ना तो मेरे हिसाब से मेरे पास उतने ज़्यादा फेदर जो ना गाइस वो शायद से पड़े हुए नहीं होंगे, सो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलो गाइस अभी सारे आर्टिफैक्ट जो ना गाइस मैं ट्रांसफर कर देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है आर्टिफैक्ट, बाप रे भाई साहब कितने सारे आर्टिफैक्ट है, 10 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट मेरे हिसाब से मेरे को मिल चुके हैं आर्टिफैक्ट भाई, 4 आर्टिफैक्ट एक ही साथ मिले भाई,
आर्टिफैक्ट ऑफ मैसिव जो ना गाइस वो चार चार बार मिला है मेरे को गाइस, चार चार बार ले बेटा पीजी पीजी भाई, चार चार बार मेरे को भाई यहाँ पे बाहर जाके ना उस आर्टिफैक्ट को लेके आना पड़ेगा। एक काम के लिए नीचे डाल दे, नीचे डाले वाली चीज़ों को तो उठा सकता हूँ ना मैं, अरे नहीं उठा सकता गाइस, अंदर ही डालना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा स्मार्ट बन रहा था मैं, हम तो लाइक चलो गाइस नीचे भाई डाली हुई चीज़ों को मैं फटाक से उठा पाऊंगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। एक टाइम के लिए भाई मैं एक ही उठा सकता हूँ, एक टाइम पे मैं एक ही उठा सकता हूँ आर्टिफैक्ट, ठीक है चलो लेट्स गो। सो गाइस सारे के सारे आर्टिफैक्ट यहाँ पे उठा के हो चुके हैं और खाली एक और वाइब्रेंट को जो ना गाइस यहाँ पे बनाना बाकी है। वाइब्रेंट को बनाने के बाद हम सिलेस्टियल वाले बॉस को बनाएंगे और उस बोन को बना डालेंगे फिर, ठीक है। सो टाइटो में चल एंड वाइब्रेंट को बना ले, और इनको मारने के लिए किसका इस्तेमाल करूँ, आरजी से पेड़ डालू क्या, आरजी तो वन वन शॉट कर देगा यार बड़े आराम से, चलो आरजी से पेल देता हूँ भाई। आर्टिफैक्ट तो बहुत ज़्यादा है यार अपने पास, बट ये सारे आर्टिफैक्ट जो ना गाइस वो कम पड़ जाएंगे। मैं थोड़े से और आर्टिफैक्ट जो ना गाइस डायनो वाइप मार के जब भाई स्पॉन होएंगे ना हमारे प्यारे प्यारे से यहाँ पे क्या बोलते हैं आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेड, तब इकट्ठा करूंगा गाइस, ठीक है। और आर्टिफैक्ट चाहिए मेरे को, आ जाओ अभी तो ओरिजिन्स को मारना है, उसके बाद डिमोनिक एंड सेलेस्टियल को एक साथ तो मैं मारना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। और बंदर को लेके चलता हूँ, और बंदर जो है ना गाइस वो बड़े आराम से पेल देगा भाई डिमोनिक को, मैं आसमान से भी अपना स्पेशल अटैक डाल दूंगा डिमोनिक के ऊपर, मजा आएगा। चलो भाई रुक जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ओरिजिन्स को बुला, बोला ओरिजिन्स को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने का, बात पक गई यार, हाँ करके चिल्ला रहा था भाई, चिप डाला भाई कैसे रैप्टर, पावर अप नहीं करा, पावर अप नहीं करा था गाइस मैंने, कम ऑन कम ऑन ड्यूड, यही तो जिंदगी में बचा था अभी। एक तो आर्टिफैक्ट की कमी, उस पे जो बॉस गायब हो गया, वाह वाह बेटे वाह मौज कर दी, ओरिजिन है क्या ना, बॉस गायब हो गया भाई, बॉस स्वाहा हो गया, टाटा बाय गुड बाय सर जी, भाई आजा 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 आजा, तेरे को चुल मचती है ना बेटा, आजा आजा इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, बाग अपे हिटेड, आजा एक और बार आ, वंस मोर बेटा जी, वंस मोर, हाँ वंस मोर आ जाओ, वंस मोर आ जाओ, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, थोड़ा रुको थोड़ा रुको थोड़ा रुको थोड़ा रुको, हाँ अभी 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 आ बेटा, ले बेटा लगा नहीं ये वाला अटैक, दैट्स स्ट्रेंज ड्यूड, अटैक लगा नहीं गाइस, मिस हो गया पूरा का पूरा, पूरा अटैक मिस, रुको रुको आप भी देता, आप भी डिक करके देता भाई, भाई 103 मिलियन गाइस मेरे भाई बेस के ऊपर ना चला जाए, वो रहा गाइस साइड में मेरा बेस, वहाँ पे गया ना जैसे मारेंगे कोई नहीं डायनो मेरे, क्योंकि भाई मैंने पैसिव कर रखा है, मेरे मैक्सिमम डायनोस को ना पैसिव कर रखा है, खत्म चलो गया ओरिजिन, आ जाओ अभी ना एक साथ में बुला लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करने का, कार्नो बियर एंड थिंकिंग, आ जाओ सर जी, हाउ आर यू सर, क्या हाल चाल, ए ए ए इधर इधर अंकल इधर इधर इधर, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो इधर है बेटा, ठीक है संभल के गाइस, थोड़ा सा संभल के, क्या हुआ बेटा जी, भाई तो स्टन हो गए भाई सारे, अरे मेरा अटैक है उतना तगड़ा वाला नहीं पड़ रहा भाई, ये काहे आ रहा है मारने के लिए, बग भेज गया, बियर सर जी जाने वाले गाइस, बियर सर जी की बैंड ऑलमोस्ट बच चुकी है, ठीक है। अरे यार मेरा काट वाला अटैक पीछे पड़ जाता है भाई, ये मैं अर्जी से रीपर की पानी के अंदर बैंड बजा सकता हूँ ना, सिलेस्टियल ग्रिफिन लेके जाने से जा, मैं आरजी लेके जाऊंगा और अपने काटो वाले अटैक से फुल बूमबाम कर दूंगा गाइस उसका, क्या बोलती पब्लिक, ये लो ओरिजिन बियर की तो भाई ऑलमोस्ट बैंड बजी गई गाइस, एक और बटके का मालिक है गाइस, भाई काम कर सी वाला अटैक दे, सी वाला अटैक दे, बियर तो गया, बियर तो गया, ये कोई आया था वो भी गया, ठीक है तो कोई भी को कारनो बचाया गाइस, अकेला अकेले अकेले कारनो सर जी बचे, हेलो सर आप आ रही, चलो कारनो भी गया मेरे को, एक और बार रैप्टर जो है ना गाइस उसको स्पॉन करना है एंड उसको मारना है, उसके बाद जो ना गाइस मैं दोनों बॉसेस की जो है ना गाइस यहाँ पे पेटी बड़े आराम से बना सकता हूँ, मतलब क्राफ्ट कर सकता हूँ, और क्राफ्ट करने के बाद पेटी बनाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अर्जी को एंड बंदर को लेके जाऊँ डिमोनिक और सिलेस्टियल वाली फाइट में, क्या बोलते हो, कैसे लगाते रहे भाई का प्लान है ना, एकदम मस्त वाला, आ जाओ चलो पहले तो अभी भाई यहाँ पे बॉस में चल, मिनी में चल, और रैप्टर को बुला ले भाई, यरा रैप्टर, ठीक है चलो गाइस रैप्टर को मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, अर्जेंटिविस बच गया भाई यहाँ पे, ब्लड की मेरे को जरूरत पड़ेगी ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ से ओरिजिन वाला ब्लड जो है ना गाइस वो मेरे को निकालने दो,
इस ब्लड की ना भाई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, काफी ज्यादा हाई टायर के जो बॉसेस होते हैं ना गाइस उनको बनाने के लिए। ठीक है, उसने पावर डाउन भी कर लिया, अच्छी बात है। रैप्टर सर जी वेयर आर यू, ये रहा गाइस हमारा रैप्टर। चलो गाइस दो और ओरिजिन्स को मारना है मेरे को भाई साहब। पावर डाउन बेटा, पावर डाउन बिठा ले बाकी। अच्छा ये कर रहा है, स्टैमिना रिकवर कर रहा है, करने दो गाइस, स्टैमिना रिकवर करने दो। 135 खाली मिला, चेस पीस मिला, ओरिजिन वाला थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक जो है ना गाइस, यहाँ पे आर्मर मिला है, बाकी एलिमेंट उतने ज़्यादा नहीं मिले। 2000 एलिमेंट मेरे इन्वेंट्री में हो चुके हैं गाइस। ठीक है, आ जाओ, अर्जेंट डेविस वर्सेस अर्जेंट डेविस, सिलेस्टियल आरजी वर्सेस ओरिजिन आरजी जो है ना गाइस, वो अभी फाइट होने वाली है गाइस। वैसे आपको बताइए गाइस कौन जीतेगा इसमें। ठीक है, पावर अप कर ली गाइस, आ जाओ, हियर वी गो एंड हियर वी गो। ऑलराइट ड्यूड, ऑलराइट ड्यूड, ऑलराइट ड्यूड। ठीक है, रैप्टर सर जी वापस से ग्लिच नहीं होना यार, वापस से ग्लिच नहीं होना, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाते भाई रैप्टर तुमको हम, हैं फट गया हाथ में आ जाते तुमको बनाने में, तुम ग्लिच होएंगे तो कैसा चलेगा। कितना बचा है हेल्थ, 50 मिलियन बचा है खाली, 50 मिलियन बचा है, रुको 50 मिलियन खाली बचा है। अबे जाना भेज के, वो 7 लाख का दे रहा है और मैं देखो कितना दे रहा है। ओके ठीक है, रैप्टर मरा, अभी खाली मेरे को अर्जी को पेलना है भाई। ठीक है, अर्जी को मारना है, उसके बाद गाइस हमारा काम खत्म, फिर हम जाके ना बॉस फाइट बड़े आराम से ले सकते हैं। मरना भेज गया आग, इधर आ गया खत्म भाई, पट्ट से हेडशॉट दिया है। चलो गाइस अभी घर पे चलते हैं, सारा सामान जो भी भाई मेरे इसके इन्वेंटरी में है ना, सारा सामान मेरे को ट्रांसफर मार लेते हो। ठीक है, बक्सों के अंदर स्मिथी के अंदर ना सारा सामान ट्रांसफर मार लेता हूँ। केरिटिन की जरूरत मेरे को पड़ेगी, लगभग 2000 केरिटिन जो है ना गाइस वो मेरे को वो बोन बनाने के लिए चाहिए होगा। सो थोड़ा केरिटिन का भी जुगाड़ मेरे को लग रहा है अगले एपिसोड में करना पड़ेगा। बाकी उसको नॉकआउट करने के लिए ना मैं ओरिजिन एरो का इस्तेमाल करूंगा गाइस। ठीक है, आ जाओ चलो, यहाँ पे सारा सामान ट्रांसफर मार देता हूँ मैं फटाक से गाइस। ओरिजिन वाला ब्लड भी डाल दिया, ठीक है सड़ जाएगा यार ओरिजिन वाला ब्लड, रुक जाओ ब्लड यहाँ से निकालने दो। ओके वी गो, एंड ये ब्लड हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, एंड अभी मेरे को जो है ना गाइस यहाँ पे बना लेना है टायर 3 के सिलेस्टियल इंडोमेस को भाई। ठीक है, अभी बॉस भाई सर्च करूंगा, सो ये दोनों आ जाएंगे। यस गाइस चलो आ जाओ, अभी इनको पेलने के लिए जो है ना गाइस अपन अपने भाई बंदरवा को एंड अर्जी सर जी को लेके जा रहे हैं। ठीक है, बंदरवा एंड अर्जी सर जी, आ जाओ अर्जी सर जी। बंदर को पानी में डालूंगा, टारगेट दे दूंगा, बंदर जो है ना गाइस अपने बम चिकी चिकी बम बम वाला अटैक से ना रिपर की बैंड बजा देगा और पानी में ना ये अपना अटैक शायद से यूज ना कर पाए। पावर डाउन, ठीक है भाई पावर डाउन कर लिए गाइस हमने, आ जाओ भाई। दो बॉसेस को जो है ना गाइस मैं एक ही बारी में नहीं मार सकता मैं गाइस। रेन दो गाइस, हार्डकोर है, मर भी गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक ही बारी में मारने की मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। स्पाइकला चालू कर ले, हाँ जी स्पाइकला चालू कर लेता। और गाइस यहाँ पे ना हमारा जो प्राइमल फियर है ना गाइस उसका मैकेनिज्म क्या है बताया गया, अगर आप कभी एक बॉस को मार देते हो ना तो उसके बाद जो दूसरा वाला बॉस आएगा ना फ्यूचर में वो जो है ना गाइस यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होएगा। मतलब अभी जो बॉस आने वाला है ना गाइस वो थोड़ा सा स्ट्रांग होने वाला है, जो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, पानी के बीचों बीच जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिमोनिक मेसोपोटामिया इसको बुला रहा हूँ, हेल्थ तो भाई ठीक है इसकी। एंड अभी अपन स्पॉन कर रहे हैं गाइस उसको, ठीक है मैं स्पॉन कर रहा हूँ डिमोनिक रिपर को, स्पॉन कर रहा पहले। ठीक है चल जा बेटा, मैं भी काम पे लग रहा हूँ। बंदर बम, बाइट अटैक नहीं बेटा बम, हाँ वेल डन बम डाल दे रहे बर्निंग अटैक में इसको आन दे, बर्निंग अटैक में आन दे। मेरा काटो वाला अटैक भी लगा गाइज, ओ नाइस मेरा काटो वाला अटैक भी लगा गाइज, वेल डन काफ़ी बढ़िया। ठीक है बंदर गाइज खास कुछ जलवा नहीं दिखा पा रहा हूँ आप, मेरे को ही करना पड़ेगा थोड़ा सा काम, 25 मेरे को ही करना पड़ेगा। जाना भाई उसको मारना, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, लगा क्या, एक भी अटैक नहीं लगा, मेरे को डर लगता है यार इसके नज़दीक जाने में। बंदर तो एकदम मस्त बोल के बैठा हुआ भाई, मेरे को इसके नज़दीक जाने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है भाई ये, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। मारा तो सही मैंने उसको, थोड़ा ज़्यादा नहीं लगा लेकिन गाइज
ज्यादा नहीं लगाए गाइस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही लगाए। अबे पॉटी वाला अटैक डालना, पॉटी। अबे हक देना उसके मुंह पे, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है बेटा। वो 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 वेल डन वेल डन। ओए नाइस, मिनियन आ गए, इसके सोल मिल गई मेरे को, इसके मिनियन आ चुके, मिनियन आ चुके। मिनियन से भाई अपन छुटकारा देगा अपने बंदर को, अपने बंदर को उसके मिनियन से मैं बचाएगा, मैं बचाएगा। इसके मिनियन आ चुके हैं गाइस यहाँ पे, बे इसकी डेड, मेरे बंदर को मार रहे हैं, मेरे बंदर को मारोगे इसके। अब रुको, फ्लावर समझे हो क्या मेरे को, फायर है अपन, फ्लावर समझे गाइस मेरे को ये। बग बेस की डेड, रुक जाओ रुक जाओ, बग बेस गया, बग बेस गया। इसने मिनियन तो एंड में बुला ही लिए थे यार, बाल बाल लगे लोले, लगे लोले, लगे लोले। कोई नहीं आजू बाजू, बच गया, बच गया। अगर इसका एक भी मिनियन यहाँ पे जिंदा होता ना अभी, तेरे भाई की बैंड बच जाती। ये जिंदा है बड़े कुछ नहीं, अरे बच गया भाई, क्या बच गया भाई, मैं क्या बचाऊँ। अरे वक्त बच गया बंदर, इस बार पार्टी अटैक कर रहा है तेरे को, ठीक है। मैं पार्टी का भाई फ्यूचर में यूज करने के लिए भाई रखता है क्या, रिजर्व करके, पार्टी अटैक कर ही नहीं रहा था। चलो अभी भाई दूसरों को मारना है। अबे यार एक मिनट रुक जा, इसकी पेटी कहाँ पे, बॉस मरा तो उसकी पेटी तो होनी चाहिए ना गाइज। पेटी बंदर, बंदर तेरे अंदर है क्या पेटी? हाँ तेरे अंदर पेटी है तो कोई टेंशन नहीं है, छोड़। चलो गाइज बंदर के पास पेटी है, बंदर को हीलिंग पोशन भी खिला दी इसमें। अबे बिठा ले भाई, बिठा ले भाई। अर्ची के बच्चे तू ना बहुत ज़्यादा हराम करे, बता तेरे को सिलेस्ट्रियल अर्जेंटिविस कहाँ पे। अबे अर्जी का, अबे अर्जी का नाम कुछ डाला होगा ना अपने, स्काई क्वीन, स्काई क्वीन कहाँ पे ये रे। अरे बिठा ले रे पापा, ये क्या फालतू गिरे यार, ये रहा हड बे। कैसे मेरे को दूर से आना पड़ेगा, रास्ते में कोई पेल ना डाले। स्काई क्वीन एक मिनट रुक जाए, इसको फॉलो करा देता हूँ ना। इधर आ भाई, रुक जाओ, शायद मैं फॉलो कराने के बाद उसके ऊपर राइड कर सकता हूँ। यस वेल डन वेल डन। ओके ठीक है, अभी दूसरे वाले बॉस को बुला रहा हूँ मैं, ठीक है, रेडी हो गाइस। हवा में डाल इसके ऊपर, हवा में इसकी आधी हेल्थ डाउन कर दी मैंने, मैंने हवा में इसकी आधी हेल्थ डाउन कर दी। मजाक हो रहा है क्या भाई, मजाक हो रहा है, सीधा अंदर घुस गया और आधी हेल्थ हवा में डाउन कर दी। बंदर बंदर चमन बंदर, मारना इसको, मार 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 मार, जमीन पे गया तो हमारी दोनों की बैंड बजा देगा। हट भाई, गया, लग गए लोले, माँ की अखिया। हड भाई बंदर तिया है साड़ा, जमीन के गया यार। हड भाई, हड भाई जो वापस वहां पे बिल्ड नहीं कर सकता यार, मैं वापस वहां बिल्ड नहीं कर पाऊंगा बे, ना सामान खींच पाऊंगा इधर उधर से, वो सीन है। डायनोस तो है अपने पास, डायनो अपन को मिल जाएंगे, बट वो घर अपना नहीं रहेगा, समझ रहे हो। फालतू बंदर साड़ा भाई, फालतू ही बंदर भाई, हट यार। गाइस खत्म भाई, यार कैसे हो सकता है ये, मेरे को समझ ना आ रहा भाई। बी पॉजिटिव गाइस, होगा, कर लेंगे, न्यू स्टार्ट वंस मोर। चलो गाइस, एल तो लग चुके हैं, बैंड तो बच चुकी है, अगले एपिसोड में वापस से चालू कर देंगे अपन, ठीक है, अपना काम मिलता है अगले एपिसोड में गाइस। चलो हट मो, सौरभ क्यों गया था अर्जेंट वीज को लेके, साला क्यों गया था मैं अर्जी को लेके, जो बर्निंग अटैक उठ के मरा ना यार मैं।
हट भाई, दिमाग घूम रहा है भाई मेरा सोच के। भाई मौत तो भाई बहुत ज्यादा गंदी वाली भाई, मराओ मैं भाई सॉलिड मौत मराओ भाई। भाई जो चिपकली बन के हवा में फ्रीज हो गए, पानी के अंदर गिरा और आरजी के ऊपर था तो उसने मेरे को सीधा नीचे उतार दिया, और विदाउट डायनो बॉस के सामने मैं 1 सेकंड भी टिकने नहीं वाला था। सबको बताया होगा आगे क्या हुआ, आपने देखा है गाइस। चलो कर देगा आज के इस एपिसोड का द एंड, मिलते सीधे अगले एपिसोड में। सी यू लेटर, बाय बाय गाइस। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.